करीब 1000 साल पहले की बात है। इतालिया जो कि इटली में है, वहाँ के लोगों ने सुन रखा था कि उनके देश का वेसुवियत पहाड़ किसी ज़माने में फट गया था, जिससे आग निकली और भयंकर तबाही मची। ऐसी बात सुनकर वे लोग हक्के बक्के रह गए, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा फिर दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि इस घटना को बीते कई 1000 साल हो चुके थे। धूप हवा बारिश से विश्ववेद पहाड़ के घाव भर चुके थे और पहाड़ की ढलानों पर हरियाली छा चुकी थी। वहाँ चारों ओर लोग बस चुके थे और उस जगह पर पोम्पी और हरकुलेनियम जैसे बड़े शहर बस चुके थे। तभी एक हादसा हुआ और 24 अगस्त 1979 ईस्वी को दोपहर के समय विश्ववेद पहाड़ के मुंह से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। जमीन कंपन करने लगी और जोर की कड़कड़ाहट के साथ विस्फोट हो गया। लोगों ने समझा कि अब संसार का अंत होने वाला है, और देखते ही देखते वहाँ राख, धूल और पत्थरों की बारिश होने लगी। हर जगह आग लग गई, हजारों लोग मारे गए। पहाड़ से निकले लावा ने दोनों शहरों को ढक लिया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ज्वालामुखी से निकली भीषण गर्मी और लावा ने हजारों लोगों को पत्थरों में तब्दील कर दिया। आज भी वहाँ खुदाई करने पर पत्थरों की शक्ल में लोग निकलते हैं। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद आज लोग उस घटना को भूल चुके हैं कि कभी वहाँ दो शहर बसे हुए थे। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। धरती पर ऐसी घटनाएं कई जगहों पर घटी है और आगे भी घटती रहेंगी। इस घटना को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले लावा का तालाब होता है। पृथ्वी के नीचे ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फट जाता है, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी के नीचे पिघले पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहते हैं। जब यह निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। जमीन के नीचे हलचल मचने से भूसंकलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ज्वालामुखी हमेशा से सदियों तक शांति से सोए रहते हैं, फिर अचानक एक दिन गड़गड़ाहट के साथ जाग सकते हैं। उस वक्त का मंजर हैरतअंगेज और खौफनाक भी हो सकता है। ज्वालामुखी के फटने से कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा शहर खाक में मिल सकता है। ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होते हैं, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। पिछले 300 साल के दौरान इन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है। बेशक हम में से कई लोग इन ज्वालामुखी से कोसों दूर सही सलामत रहते हैं, मगर पृथ्वी की आबादी में से लाखों लोग इन ज्वालामुखी के बेहद नज़दीक रहते हैं, जो कभी भी फूट सकते हैं। ज्वालामुखी के अंदर गड़गड़ाहट कभी भी शुरू हो सकती है और फिर धमाके के साथ ये सोए हुए विशाल पर्वत जाग सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ज्वालामुखी के बारे में, जो सोए हुए थे लेकिन जब अचानक जागे तो उन्होंने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। माउंट रेज कोलंबिया। 1985 में दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में इस ज्वालामुखी में दो विस्फोट हुए। विस्फोट के बाद कई छोटी नदियों का जल और लावा बहने लगा। इस लावे के नीचे आकर लगभग 30 मील के क्षेत्र में बसा क्षेत्र दब गया, जिससे लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ये प्रशांत महासागर के अग्निकुंड के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कई एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। इसकी ऊंचाई 5,321 मीटर है। ये आखिरी बार 2016 में फटा था। ये इंडियन वोल्केनिक बेल्ट के उत्तरी ज्वालामुखी उज्जोन का तीसरा ज्वालामुखी है। माउंट रेज ज्वालामुखी ऐसा विस्फोट पैदा कर देगा जिसका प्रभाव ग्लेशियर पर भी पड़ सकता है। ये एक प्रकार का कंपोजिट ज्वालामुखी है जो लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माउंट क्राकातुआ इंडोनेशिया। इतिहास में दर्ज सभी ज्वालामुखी की आपदाओं की घटनाओं में क्राकातुआ प्रमुख घटना है। क्राकातुआ विस्फोट इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप में 1883 में हुआ था। इस स्थान पर इसका उद्गम इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट पैसिफिक प्लेट के नीचे चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1883 के विस्फोट के दौरान सबसे अधिक आवाज़ हुई थी।
जिसका नाम इतिहास में दर्ज है, उस समय इसकी आवाज इसके उद्गम स्थान से 4,800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। इस ज्वालामुखी की आवाज को हिंद महासागर से पार पश्चिम में 4,653 किलोमीटर दूर रोडगरिज द्वीप और पूर्व में 3,450 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में सुनी गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह विस्फोट 200 मिलियन टन टीएनटी के बराबर था। वायुमंडल में इस घटना से निर्मित राख के धुएं और राख की पतली कालिमा हिमालय से 3 गुना ऊंचाई तक फैल गई थी। उस समय इस ज्वालामुखी विस्फोट से करीब 30 मीटर ऊंची विनाशकारी सुनामी पैदा हुई जो 36,000 लोगों की मौत का कारण बनी। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 813 मीटर है जिसमें आखिरी विस्फोट 31 मार्च 2014 को हुआ था। माउंट वेसुवियत इटली। यह ज्वालामुखी इटली में स्थित है जिसे 79 ईस्वी के विस्फोट के लिए जाना जाता है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट के समय वोल्केनिक गैस पत्थर और राख जमीन से 33 किलोमीटर ऊपर तक बहुत अधिक मात्रा में उड़ा था। निप्पल शहर के लोग लगभग 3,000 साल से वेसुवियत पर्वत के दामन में रहते आए हैं। यह पर्वत निप्पल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। वेसुवियत पर्वत को धरती के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में गिना जाता है। इस पर्वत के निचला हिस्सा समुद्र के अंदर है, इसलिए यह पर्वत जितना बड़ा दिखता है उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। वेसुवियत पर्वत का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से इस पर्वत का ज्वालामुखी कई बार फूट चुका है। 1631 में जब यह ज्वालामुखी फूटा था तब यह इतना विनाशकारी था कि इसमें करीब 4,000 लोग मारे गए थे। तब इससे लावा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। यह शब्द लातनी शब्द लावे से निकला है जिसका मतलब है खिसकना। सदियों से वेसुवियत पर्वत अंदर ही अंदर खोलता रहा है। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब एक बार फिर से ज्वालामुखी फूट पड़ा। इस ज्वालामुखी के आसपास इस समय 30 लाख की आबादी रहती है। आज उन शहरों के लोग बेफिक्र होकर जिंदगी जीने में लगे हैं। इसके बावजूद कि खतरा बिल्कुल उनके घर के आसपास है। माउंट पेले। माउंट पेले का 20वीं सदी का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है जो 1902 में हुआ। यह मार्टिनिक और कैरेबियन के एक आइलैंड पर स्थित है। 1902 में हुए विस्फोट में करीब 30,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसकी ऊंचाई 1397 मीटर है। इसमें आखिरी विस्फोट 1932 में हुआ। यह फ्रांस में स्थित एक कंपोजिट ज्वालामुखी है जिसका निर्माण पायरोक्लास्टिक चट्टानों से हुआ है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों क्या आपको यह नहीं लगता कि दुनिया भर की नॉलेज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर नहीं भी लगता तो भी आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।